ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਈ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਾਉਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ। जहाँ पंगा है वहाँ कंगना साक्षात रूप में पहुंच जाती हैं, और जहाँ पंगा नहीं है वहाँ उन्हें पहुंचा दिया जाता है। आप लोगों को फिल्म याद है पंगा, जिसमें कंगना रनौत ने काम किया था? ये फिल्म महिलाओं को स्पोर्ट्स में प्रमोट करने के लिए, शादीशुदा महिला की स्पोर्ट्स में क्या लाइफ होती है उसके लिए, या फिर खाली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए नहीं थी, ऐसा मेरा मानना है। ये फिल्म तो कंगना का उनके प्रशंसकों, उनके विरोधियों और पूरे समाज को एक मैसेज था कि मुझसे पंगा मत लेना। जहाँ पंगा है वहाँ कंगना साक्षात रूप में पहुँच जाती हैं, और जहाँ पंगा नहीं है वहाँ उन्हें पहुँचा दिया जाता है। अगर ये दोनों ही सिचुएशन से अलग कोई तीसरी सिचुएशन बनती है वो ये सकती है कि पंगा खुद कंगना के पीछे दौड़ता हुआ चला है। आदित्य पंचोली से लेकर ऋतिक रोशन, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, करण जौहर, ये सब कंगना और रंगोली की मार के मारे हुए थे। कंगना का मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता, ये अभी तक माना जा रहा था। तो आज आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कंगना खुद पंगे में कूद पड़ी, जहाँ पे उनका शायद ना होना ही बेहतर हुआ। महाराष्ट्र और पंजाब से आए हुए किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी देखा देखी यूपी, मध्य प्रदेश, बाकी जगहों से भी किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंचने लगे। किसानों का प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा था, मीडिया में उसको खासी जगह दी जाने लगी थी। उनको दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, तो बेचारे बॉर्डर पर बैठ के अपना लाव लश्कर जमा के ट्रॉली वलौली राशन वाशन खूब भर के लेके आए थे। वहीं पे किसानों का, हमारे पास 6 महीने का राशन है, हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। जब पुरुष किसान दिल्ली के बॉर्डर पर इस ठंडे मौसम में, जहाँ पे उन्हें वाटर कैनन से नहलाया जा रहा था, अपना मोर्चा संभाले हुए थे, तो महिलाओं ने भी ये सोचा कि हम भी जाएंगे, हमारी भी एक भागीदारी है, चूल्हा चौके से अलग हमारी भी एक जिम्मेदारी है। और शायद समाज महिलाओं की बातों को बहुत गंभीरता से लेता है, और ये बात सच है और होनी भी चाहिए थी। तो जब महिलाएं दिल्ली बॉर्डर पर आकर डटने लगी, तभी कंगना रनौत ने एक फोटो ट्वीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया और कहा कि ये महिला वही है जो NTCA प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग पे आई थी, और शाहीन बाग पे जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो 200-250 रुपए में प्रोटेस्ट करने आए थे। कंगना का इतना करना ही था कि उनके फैंस और उनके विरोधी दोनों गुस्से में आ गए। फैंस गुस्से में इसलिए आए कि किसान का आंदोलन बड़ा ही सेंसिटिव विषय है, हमें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि सरकार के पास बहुत सारे औजार हैं, रात के 8 बजे आके वो कुछ भी बंद कर सकते हैं, किसी भी दिन आके वो लॉकडाउन लगा सकते हैं। तो सरकार को अपनी बातें रखने के लिए, अपने काम करने के लिए बहुत सारे साधन मौजूद ही हैं, पर किसान या फिर ऐसा आदमी जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा साधन मौजूद नहीं है वो क्या करे? तो उसके संगठन में ही शक्ति है, वो अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। फिर लोग समझने लगे कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए क्या हो सकता था कि इसमें खामियां निकाली जाएं, कि फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कौन देने वाला है, ये लोग कौन हैं, देश को तोड़ने वाले हैं, मतलब आतंकवादी वाला टैग छोड़कर बाकी सारी ही बातें मीडिया में कह दी गई सरकार के समर्थकों द्वारा। तो कंगना ने भी ऐसा ही कुछ कह दिया। बीच में कूद पड़े दलजीत दोसांझ, पंजाब से आने वाले हमारे सिंगर और नए नवेले एक्टर। उन्होंने ये कहा कि देखो ये बात गलत है, ये जो महिला हैं 75 वर्षीय महिंदर कौर है, पंजाब में अपने पति के साथ रहती हैं, और स्वयं ये और इनके पति खेती किसानी से ही अपना गुजारा करते हैं। कंगना ने कह दिया उनको कि तुम करण जौहर के एक आपत्ति सूचक शब्द कि तुम वो हो। दलजीत दोसांझ के बारे में, दलजीत दोसांझ ने कंगना के बारे में ये कह दिया कि तुमने भी इतने लोगों के साथ काम किया फिर तुम कौन हो। ये सब विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच महिंदर कौर जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं 75 वर्ष मेरी उम्र हो चुकी है, सरकार ये जो कानून लेके आई है इनसे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पूरी की पूरी खेती की मालिक थोड़े दिनों में कॉरपोरेट कंपनियां बन जाएंगी। हो सकता है कॉरपोरेट कंपनियां खेती की मालिक ना भी बने, तो भी सरकार को किसानों की बात सुनकर उन्हें अपने भरोसे में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि नहीं, खेती या फिर जो ज़मीन है वो किसानों की माँ है, तो माँ जैसा सम्मान ही मिलता रहेगा। तो कंगना जब विवादों में घिरी तो बाकी लोगों ने भी मजे लेना चालू कर दिया। तो बॉलीवुड में जो अभिनेत्रियाँ थी जो कंगना से प्रताड़ित थी, उन्होंने भी कहना चालू कर दिया कि कंगना को सीधा करने के लिए एक हमें पंजाबी स्टार्स की ही ज़रूरत थी, यही लोग हैं जो कंगना को सही सही रिप्लाई दे सकते हैं, वैसे भी अड़ोसी पड़ोसी हैं दोनों। बाद में कूद पड़े मीका पाजी और उन्होंने कहा कि कंगना में अचानक इतनी सारी देशभक्ति कहाँ से आ गई, और आ भी गई है तो वो किस मुद्दे पर किसका साथ दे रहे हैं, वो सरकार की स्पोक्स पर्सन तो है नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ सरकार ने उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद की है, उनके फैंस को उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में दी हैं, इसलिए उनका सम्मान है, अपनी बात बेबाकी से रखती हैं, ये उनकी अच्छी बात है, इसके लिए हम उनकी
रेस्पेक्ट करते हैं। तो यही सब कुछ चल रहा था। अभी ट्विटर पे वॉर अभी गर्म है और आगे आगे हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। हमें उम्मीद है पैसा पे ये आपको छोटी सी कंट्रोवर्शियल कहानी अच्छी लगी होगी। और आपको कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है आपने बहुत ध्यान रख रहे होंगे। गुड बाय।